हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और दिन शुरू हो गया है और अभी मेरी उम्रे की तैयारी हो रही है। तो आज टिकट बुक किया है यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी। वीज़ा तो मैंने यूके से ही लिया हुआ था उम्रे का, बस टिकट यहाँ से ले लिया। मेरा प्लान था कि मैं वापस जाऊँगी यूके और यूके से सुमैया के हस्बैंड के साथ उम्रे पे आऊँगी और रमज़ान के 8 रोज़े अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ उम्रे पे और वापस यहाँ ईद पे आ रही हूँ और फिर यहाँ से यूके जाऊँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे ईद फूड पैक के। और उनके अलावा भी हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर ले लिया है, जहाँ हम वुमेन को डिफरेंट स्किल्स सिखाएंगे, उनको ऑर्फन को और विडो को ज़्यादा रखेंगे, बाकियों को भी इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सिलाई मशीन, कढ़ाई, क्रोशे, निटिंग और उसके अलावा ब्यूटी और सलून का भी सब कुछ सिखाएंगे। और फिर उन वो जब क्वालिफाइड होंगे उनके लिए छोटा सा हम कारोबार भी शुरू करेंगे और उनकी चीज़ें, हमारे जो जगह हमने लिए फ्रंट पे एक शॉप हमने बनाई है, उनकी बनाई हुई चीज़ें हम वहाँ पे सेल करेंगे और वो पैसे और उन पैसों से उनके लिए कारोबार शुरू करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ उम्रे का टिकट लेने के लिए। चले मेरे साथ रहिए, पहले बैंक जाती हूँ, बैंक से थोड़ा सा रोकड़ा निकालती हूँ कि अपने उम्रे का टिकट ले लो। और आज जो फूड पैक है, ये इफ्तार है, वो सारे मेंबर करेंगे। आज मैं अपने सारे उम्रे का इंतज़ाम करूँगी। फिर यहाँ पे एक रशके है, वहाँ से थोड़े लोन के कपड़े लूँगी, ताकि उम्रे में जो मैं 12-13 दिन हूँ वही लोन के कपड़े पहनूँ और अबाया पहनूँ, वो सिकंदर मेरे लिए बना लेगा। तो चलिए मेरे साथ, पहले चलते हैं बैंक, फिर चलते हैं उम्रे का टिकट उठाने, फिर चलते हैं रशके। सी यू सून। बैठ गई हूँ गाड़ी में और दुआ पढ़ ली है, अयातुल कुर्सी में पढ़ूंगी और चले चलते हैं बैंक में। और अभी घर से निकल गए हैं, सिकंदर आ रहा है, तो अभी चलते हैं बैंक में। तो बस अभी बैंक से पैसे उठा लिए, टेलर को फोन कर दिया, मूड बड़ा सख्त खराब है क्योंकि अपने टेलर को फोन कर दिया कि कपड़े तैयार है अनहा के। इतना अजीब आदमी है, इतना वो स्लो स्लो बोलेगा और अपनी मतलब की कहेगा, दूसरों की बात नहीं करेगा। पता नहीं क्या इधर पाकिस्तान में तो वैसे भी मशहूर एक बात है, वो इनको वाले कहते हैं कि दर्जियों के लारे तो हम रहे कवारे के क्या, लेकिन ये इस जैसा दर्जी मैंने कहीं जिंदगी में नहीं देखा। इतना अजीब आदमी है, जितना मेरे हाथ से होता है मैं इसके साथ हमेशा इसके साथ पोलाइटली पेश आती हूँ। आज मुझे गुस्से में कहता है कि बस मुझे आपने खरीदा नहीं। मेरा दिल तो चाहा कि इसको तो मैं टका दूं, लेकिन रोजा है और गरीब इंसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मैं क्या बताऊं, उसने तो आज मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं कसम से उसका, मेरा दिल चाहता है ना कि अब जाके तो उसको मैं पकड़ के तो एक दो पेंटी लगा दूं, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा दिमाग उसने खराब कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। इतना ज्यादा उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरी बात ही नहीं सुनता। जब से मैं आई हूँ मैंने तब से उसको कपड़े दिए हुए हैं और अनहा के कपड़े हैं। जाहिर बात है मुझे टाइम पे देने चाहिए। पहले भी इसने पिछले साल भी ऐसा किया कि समर में वो कपड़े थे उसके, अल्लाह भला करे, समर के कपड़े थे। आपको पता है कि यूके में तो सिर्फ 3 महीनों का समर होता है और हमारा फैशन शो भी था, और मैंने इसको कहा कि ये कपड़े तैयार कर लो और इस डेट को खादिम आके तुमसे कपड़े कलेक्ट कर लेगा और वो हमें भेज देगा। और हमारा फैशन शो भी तैयार था सारा कुछ। जब उस डेट पे खादिम गया, कहते हैं मैंने तो तैयार ही नहीं किया। मेरी एक कजन सिस्टर है, मेरी एक कजन सिस्टर है अमर उसका नाम है, तो काफी यहाँ के हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो उसने इसको कहा होगा कि शादी है तो ये कपड़े तैयार कर लो। इसने आगे से ये भी मुझे नहीं कहा कि अमर आई है तो वो कपड़े तैयार कर रही है तो चलो मैं आपका काम स्लो कर दूंगा या किसी और को दे देना। दर्जियों की कमी तो नहीं है यहाँ पे,
लेकिन ये है कि ये वही मेरी कजन सिस्टर जो है अमर, उसने रिकमेंड किया था, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चलो ये उसने रिकमेंड किया है, वो कह रही थी कि ये गरीब आदमी है, ये है वो, लेकिन इतना उसने आज मेरा दिल खफा कर दिया कि ये ऐसे लोग हैं कि ज़रा सी तुम लोग इसको गुस्सा करो तो ये आगे से, क्योंकि मेरा दिल इसने खा लिया। जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ मैं इसके पीछे चक्कर लगाती हूँ। अच्छा, मेरे घर से इसकी जगह तकरीबन 30 माइल या 40 माइल दूर है, यानी मुझे 45 मिनट लग जाते हैं, और मैं इसके पीछे 2 दफ़ा गई हूँ कपड़े उतारने, कपड़े देने, फिर 1 दफ़ा इसको मैंने अपने घर में टैक्सी वैक्सी करा के इसको बुला लिया, यानी कि इतने के बावजूद मुझे आगे से कहते हैं कौन सा इतना बहुत आई हो, सिर्फ 2 दफ़ा आई हो, यानी कि ये ऐसे मेरे मुँह से अब रोज़ा है कुछ निकल रहा है कि ये मेरा ऐसा कोई ख़ास है ना कि जिसके पीछे मैं चक्कर लगाती रहूँगी। फिर आगे से मुझे कहते हैं कि मुझे तुमने कोई ख़रीदा नहीं है, अगर तुम कपड़े उठाते हो, कपड़े लेते हो और कमिटमेंट करते हो कि मैं इस तारीख को कपड़े रेडी करूंगा तो रेडी होने चाहिए। नहीं, हर रोज़ फ़ोन कर देते हैं मुझे 6 दिन दे दो, हर रोज़ फ़ोन करेगा मुझे 6 दिन दे दो। आप यकीन करें कि इस आदमी ने मेरा आज दिमाग ख़राब किया हुआ है। अच्छा, तो वो अमर की बात बता रही थी, अमर ने इससे कपड़े सिलवा लिए, इसने मुझे आगे सिखाया नहीं, खादिम उधर बैठा हुआ, ये कहते हैं कपड़े तो कोई एक कपड़ा भी तैयार नहीं, उधर हमारा फैशन शो बुक, हमने हॉल भी बुक किया था, सारा कुछ किया था, अब हमें सारा कुछ पोस्टपोन करना पड़ा सिर्फ इसकी वजह से, और 1 साल बाद वो कपड़े मुझे मिले, 1 साल बाद। तो ये इस किस्म का, फिर भी मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा ये गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, खैर है, कभी माँ इसकी, कभी कहता है माँ बीमार है, कभी कहता है ये है, कभी कहता है घर दब बदल रहा हूँ, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, लेकिन इसकी नीयत में खोट है। क्योंकि जिन मैंने, मेरे और भी बहुत टेलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मर्दान में भी टेलर है, मेरे इधर पिशावर सदर में भी टेलर है, आगे से मुझे कहते हैं आपने तो दर्जी बिठाया हुआ है घर, सिकंदर की बात कर रहा है, तो सिकंदर तो मेरा, मेरे घर में काम करता है, वो मेरे लिए कपड़े सी या बर्तन धोए या जो भी करे, वो उसकी या ऑफिस का काम करे, ये तो मेरे लिए वो बस ये उसकी ड्यूटी है, वो मैंने कोई दर्जी तो नहीं बिठा के रखा हुआ है, और अगर बिठा के भी रख लो तो तुम्हारा मेरे पर्सनल कामों से क्या काम है। तो इसलिए बहुत गुस्सा है, और मैं जब गुस्सा आते मैं आप लोगों से बहुत शरीक करती हूँ, आप लोगों को अपना गुस्सा बताती हूँ। तो अगर कोई भी किसी भी टेलर से आप यहाँ पे पाकिस्तान में बात करें तो उस टेलर की जबान पर कभी भी यकीन ना करें। एक तो होता है साकिब जैसे, और मेरे जो मर्दान वाला है गोल्डन उसका नाम है टेलर, उस जैसे लोगों, तो फिर भी ये जबान के पक्के होते हैं। ये जिस दिन मुझे साकिब कहता है कि शाम को कपड़े उठा लो तो मैं शाम को, और मैंने इसकी वजह से साकिब को खफा कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं, अमर ने कहा ये गरीब है, साकिब तुम्हारा तो कारोबार इतना बड़ा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसी दूंगी कपड़े। और अब यही बंदा मुझे एंड टाइम पे अब कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ उठा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ उठा ले, तो नहीं कहा का मैं नहीं कर सकता हूँ। भाई अब मैं इतनी जल्दी दर्जी ढूंढूंगी कहीं, मुझे 8-9 दिनों में कपड़े चाहिए, अब मुझे कहते हैं कि मुझे तो करना नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। मैंने तो सोचा था कि आज आपको सारी अच्छी अच्छी बातें दिखाऊंगी, अच्छे अच्छे किस्से दिखाऊंगी, मैं रशके जा रही हूँ, बैंक जा रही हूँ, ट्रैवल एजेंसी जा रही हूँ, लेकिन बीच में ये इस दर्जी को मैंने फ़ोन कर दिया और इसने मेरा इतना दिमाग खराब। और एक बात इसमें एक और है कि तुम बात करोगी तो चीखोगी, पर ये तुम्हारी बात को इग्नोर करके अपनी लगी रहेगा, अपना लगे रहेगा अपना, और फिर बदमाशी भी उसमें इतनी है कि इतनी बदमाशी से बोला, मैं कहा तुम्हें, मैं तुम सबके साथ रोडों पे यहाँ पे इफ्तार करती हूँ, तो मुझे अंडर एस्टिमेट ना करना कि मैं कोई बस ऐवी सी औरत हूँ आई हुई हूँ। मैं कहा मेरा भी एक खानदान है और मेरे भी लोग हैं जो मुझे तुम्हें पता है कि मैं किस खानदान की हूँ। तो ये लोग बस, जब तुम लोग, जब कोई बंदा आता है और यहाँ पे इनके साथ ऐसे प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं तो ये उनको बस चुतड़ सा समझते हैं कि ये बस गया गुजरा सा। हमारे पठानों में चुतड़ कहते हैं जैसे कि बिल्कुल किसी काम का ना हो। तो ये ऐसे मुझे फिर समझते हैं कि चलो ये तो ऐसी ही है, बस हर किसी के साथ बच्चा बच्चा करके बात करती है, इसको तो कुछ नहीं आता। लेकिन मुझे अपना फुट डाउन करना भी आता है, मैं जहाँ फुट डाउन करती हूँ वहाँ मैं फुट डाउन करती हूँ, जहाँ मुझे अल्लाह के हदूद मैंने नहीं क्रॉस करने होते मैं अल्लाह के गरीबों के साथ बहुत डाउन टू अर्थ रहती हूँ। लेकिन अगर कोई फिर अब ऐसे करता है ना कि बदतमीजी की हद तक आता है तो मुझे फिर पता होता है कि मैं इनको किस जगह में रखूँ।
तो इसलिए दिमाग बस बहुत ख़राब है, पता नहीं आपके साथ और क्या बातें करूँगी। सो आई एम हियर इन रुशखे और ये कपड़े ले रही हूँ अलग का तो फिकरा देखा शाह खबर कवे यहाँ हमने काफ़ी कपड़े ले लिए हैं और शाह खबर यू काला का तदल तकार कवे रोजा दीदा सो रोजी दीदी टोले माशाल्लाह माशाल्लाह ये नाप रहा है ये शाहरुख खान है ये शाहरुख खान है या अल्लाह ने ब्याह खुद दे रोजा नहीं We are here and I bought so many clothes for I'll show you in my house. सुहेल खान ची टिकट So now we going back to Peshawar. Rafi's sister ने इफ्तारी पे बुलाया है अब वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह सी यू इन पेशावर देन। तो रशके के शॉपिंग से निकल आए हैं, बहुत ज़बरदस्त तूफान आने वाला है, इसको हम पश्तो में सिलह कहते हैं। बस दिन के वक्त अंधेरा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा तूफान किस्म का है। मोटरवे पे जा रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत से ले जाए। मोटरवे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। बस अभी इसने एक बात बता दी सिकंदर ने, ये दरगई का है तो कहती दरगई में एक, मैंने कहा एकदम धूप था क्या ये तूफ़ान आ गया, वो कहते हैं मामा ये तूफ़ान पता किस लिए आया। अब ये अल्लाह को पता होगा कि ये क्या सही है कि क्या सच है। कहती एक बेचारी औरत, उसकी 12 साल की बच्ची थी और देवर ने आके उसको 12 बुलेट्स उसके सर में डाल दिए और उसको मार दिया। उसका अपना खावन उधर था सऊदीया में, अब किस वजह से मारा है अल्लाह को पता होगा। ये पठानों के नखरे, ये पठानों की बातें। ठीक है अगर औरत से कोई गुनाह भी हुआ है या कुछ सरजद हुआ है तो फिर तो ये होना चाहिए ना कि अगर गुनाह में मारा है तो फिर तो आदमी और औरत को दोनों को करना चाहिए ना, सज़ा देनी चाहिए। तो ऐसी एक अकेली औरत को घर में ला के तो कहती 12 बुलेट से उसको दिमाग में मारा है। तो इसकी बहन ने अभी उसको फ़ोन किया था, सिकंदर की बहन ने, कि वो जैसे ही उसको मार दिया तो एकदम से ओले पड़ने लगे और तूफ़ान आ गया। तो अब अल्लाह को पता होगा कि ये कहाँ तक सच है क्या है, क्योंकि एकदम से धूप थी और धूप में एकदम से ये तूफ़ान आ गया और ये हो गया। तो मेरा भी थोड़ा सा दिल बहुत ज़्यादा खफा हो गया उस बच्ची के लिए, क्योंकि कहती वो बच्ची उसको पाँव से पकड़ रही थी कि चाचा इसको ना मारो ना, मेरी माँ को ना मारो, तो उसने मार दिया। अब अल्लाह को पता होगा कि किस वजह से मारा है। ये पठानों का तो ये भी होता है, इनके साथ अगर औरतें ज़रा मुँह मारती हैं और थोड़ा सा जवाब वबाब दे देती हैं या औरतें एक दूसरे के पास साथ झगड़ा करती है तो भी मर्द हजरात आके इनको टिशू टिशू कर देते हैं। पश्तून जितने अच्छे हैं, जितने मज़हबी हैं, जितने इनमें नमाज रोज़ा ज़कात है, उतना ये औरतों के साथ इंसाफ नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको तलकीन दे और हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलाए ना, क्योंकि अगर कोई औरत भाभी है या बहन है या माँ है आपको नहीं उसके साथ लगता तो बस आप उससे क़त्ल ताल्लुक़ कर दो। ऐसे मारना तो पूरी इंसानियत का कत्ल है ना। तो दिल खफा है और तूफान बहुत ज़ोरों से है, बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन सारा रोड ऐसे है कि उड़ रही है, तिनके उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तूफान है और हम पेशावर जा रहे हैं। आई एम विद माई फेवरेट राफे एंड लुक द मिनी राफे इज़ हियर, ही इज़ द मिनी राफे एंड ही talk english and he eat english and he walk english and he sleep english, isn't it? What is sleep english and this and
and this and that. ये वही बच्चा है जो कि तीन साल पहले क्या कह रहा था इराफू बोलो स्वात में क्या कह रहा था बच्चे पता नहीं इसने टांगे तोड़ दी थी इंग्लिश की और अब इतनी प्यारी इंग्लिश बोलता है तो चले चलते हैं ये महविश है महविश से हाय महविश माय नीस राफे माय नेफ्यू ही इज माय ग्रैंडसन हाय महविश कुजीन लाउंज पे चलो बताते हैं आपको कैसा है हम आए इस रेस्टोरेंट में तो सब लोग भाग गए हैं क्यों भाग गए दून है स्टोम को दून कहते हैं चले अब खाना चेक करते हैं ये मेरा मेरे लिए खड़ी है मुझे दरवाजा खोल के देख लेट्स डू इट यहाँ तो कोई भी नहीं है सिर्फ हम हैं अभी आएंगे लोग अच्छा अच्छा मैंने कहा कहीं बासी ना खिला दें अच्छा अफतारी करके जाते हैं ओह माय गॉड दैट मेनी डिशेस ये सब भरे हैं वाओ चल मैं भी शुचितवा शाह गुरु सो ऑल दीज डिशेस इन बुफे वाओ पकोड़ा समोसा नो स्प्रिंग रोल एंड what's that jo bhi hai pata nahi hai oh my god this is delicious and this chicken strip aur chawal kabli pulao wow the food is amazing sabakhli tab sukhri shaba pukhto hua na pukhto hua ve shab pukhto ki khabar hai ka english hai okay Go on. Say in English. Come on. I don't know what is the food. There's so I many choices. Tell. Come on, have I some. I can tell. What do you want? You can't tell? You can't tell? No. Why? No, because I don't know what it is. Because you're so mashrota. Because I can't see. I can tell. Oh my God. Look at that. You think I'm going to eat all this? With gastric bypass? And this is And this raffles? I think the I knew it you Mishi. Will come to shower you know what Mishi lost 20 kg he lost 20 kg okay that's a lie so Mishi was so big last time I'm so proud of her I think I should lose some weight as well but I'm a little bit jealous as well wasn't it definitely look like her. My niece is beautiful MashaAllah. Say MashaAllah. So, yeah, you know the coffee? The coffee here, the latte is amazing here. Latte. So beautiful. Maybe Shmo to be latte lara zuha. The these latte, John, Sadi, Dili, Dagi Nam latte. This is the first time Umar Sara Adoha, Shahid Umar Sara. Second time, Habib Sahib, or third time, they are after the Lakhanu Sara, Kora Lakhanu Sara, second time, coffee miss. That's what I mean. That's my fourth time. Well, look, that was my shan khidu. I have all the try. Glory jeans, the whole. Agar darro koi, dal tar agalo jine ke ma pasi shuda hui khuda hai, mum pasi wadi ne ki. Vida ajine ke kara way pe jan the UK hui. Vida jine ko tohi jizam liya ma. Ham bal so ko, so nahi baare. Tab mach khane mad ko. Sam thakati ko. Dal tar badi agalo. Al glory jeans ke agalo, mum so dal agar le salam chalo. That's the market zan sharif hai. That's the market. The street is there, right? We're going to have lunch. Ah, that's the building. Walking distance. Lunch is in the garage. Right. We're going to have lunch. 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 Yeah, the yours is a bottle of crunch. Cafe crunch? یره د اغی د سټیک مقابله نشته ګوره په اغی د انوایرنمنت هم نشته د اغی د سټاف هم نشته دی د بیسټ ځان
I'm going to call him Diruji. We call Iqbal Diruji. That's what I'm going to do. I'm going to go to the house. So, we have a UK number. We have a plan to change. 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 Ultimately, Sumayi is a week, Tero Biavatlam Omreta. So, the mother of comprehends or told Chimunga Pichachi plant or Kadikana? Well, Karkoika. Zabatas to Pesin and Pesin and Akim. 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 Quran by Wakli, Bahar no purchase going. Definitely. Okay, first page, my name is Amanu. Oh, but I'm going to go to Yes. I'm never going to grow up. Never, ever, ever, ever. You are really lucky. But I have 6 years old. You're only 2 years old. 2 years younger than me. She's 8 years old. I'm only 8 years old. Yes. No, you are 17 years old. Who told you that? Why? Asi di bade kala ma. Hi. Ye bache. Shamir. To ye do like the theek ho. Na Shamir, do nadi ra gati gati khabar dekho us khara ko ka kare. Shamir, Shamir, Shamir. Ta na no ve jab ya. Ta wapas bozam. Aur I am very happy. لکه داخل پنجابی دیگه نمی‌کنم. چرا؟ همه حکومت میں آنے کے بعد حکومت میں آنے کے بعد دل اور دماغ سے کام لینا پڑے گا. دل بدل دیں گے. دل اور دماغ سے کام لینا پڑے گا. زار مر سستا سو پولیٹیشن یہ جمعو کا بورس اللہ جو کر دیکھ رہا اخو پورا جو کر دیں اگر اس طرح نے جوڑے اغسط شتائل دے شتائل بورسے ناس تو کنا چاپیون اللہ تلو مخامخ ناس تو شادہ پس پل سیکرٹری ہوگا ناس تو کنا ٹرائی کی چیز چترے کلاو کم چنوارو چترے کلاو چترے کلاو کھانا آپ کو اچھا لگے گی بیری نائس تینکی سو نہیں ہم نے سب کچھ چکری ہے بہت نائس ہے بہت نائس ہے بورس کو دو نور پورے خلق ٹوکی کئی کرنا کوئی نہیں پرسنل بھی ہو سکتے اب کیا ہوا ہم تو زمان ملتان تو آدھلے دلی ہوگا نا نوازم میں یو کزم دینا آگتا میں ماما ہوئی رہا میرا پکچر ہے بابا سا پر ہمارا ڈیڑھ لاکھ روپو شوز سے بگی راشی ہمارا ڈیڑھ لاکھ روپو شوز سے بگی راشی مجھے ٹوش پکچر ہے شوز بگی راشی کنے یار وہی خواہ جی Yo, la cross da se visto. Yo, la shoes de visto. Cuidado, el drone rollo. No sé cuál que apus que yo en que. Yo vi que eres. Ya me cuí te suir o tal. Te quería que me di shoes a ne chay en beach. Funny people. Shukar. Shukar kia. Sara khane me hamne. Ha 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 جو آدمی چڑیلیاں ہوتی ہے تو اس کو کیا ہی چڑیلیاں اس کو کیا کہتے ہیں چمچڑا کے آدمی چمچڑا کے داولی دونوں گدو گدو سپر نو آئے لاتھے 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 التشتے کا نام رو رہے دری لاتھے ہو رہا ہے دوی پخپلہ جوڑی تو نمو گلے جوڑا لاتھے 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 कॉफी मिलेगी मिलेगी पांच हमें चाहिए लाते लाते ठीक है पुख्तो आए नहीं नहीं पुख्तो नहीं अच्छा अगर पुष्ट बोलते तो फिर आप लाते को लते कहते तीनों करो जी चाय नहीं 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 इसको चाय से दूर रखो नहीं खाया जाता तो चाय कैसे हाँ चाय क्या होता है
اچھا ادھر آؤ نا ذرا میرے کیمرے میں باتیں کرو, ادھر آؤ نا کیمرے میں اپنی پیناڈول دکھاؤ. چلو دکھاؤ یہ کسٹرڈ کیسا ہے, چلو بتاؤ کیمرے میں بتاؤ کسٹرڈ کا ٹیسٹ کیسا ہے. شامیر کو کسٹرڈ لا کے دیا ہے تو شامیر کہتا ہے کہ یہ تو پیناڈول جیسا ہے. آ جاؤ شامیر بتاؤ, آ جاؤ ادھر آ جاؤ. ہاں یہ پیناڈول ہے. نہیں ایسے اچھی طرح سے بولو نا. اچھا ادھر بیٹھ کے بولو نا, چوہا سا تو میرا منہ نظر آ رہا ہے. ادھر آ کسٹرڈ اچھا لگا. گھسو گھسو بیٹھو. ہاں جی اب بولو بتاؤ, اب بولو کسٹرڈ دکھاؤ اپنا. بیڈ بیڈ کسٹرڈ از بیڈ. وائی وائی کسٹرڈ از بیڈ؟ Because it is panadol. Kehta panadol jaisi iski smell hai, but it look nice, but it is the angrezi khatma shuru. Angrezi khatma shuru kya kehte hai usko? It's horrible. Yes, it is horrible. Horrible. And thumbs down. یہ کیلب کی عمر کا ہے اور کیلب جیسے. اور میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ نانو. یہ میں اس کی نانو. نانو نہیں ہے دادو ہے. حالانکہ میں اس کی دادو ہوں پر میں اس کی نانو. کیلب کی آپ نانو ہے؟ ہاں. تو بس یہ اس رشتے سے. اس رشتے سے. لیکن ابھی وہ کتنے سیون کا ہو جائے گا؟ کب کتنے سیون کا ہو جائے گا؟ ابھی بس وہ سکس کا ہے نا. اور آپ کب سکس ہو گے؟ دسمبر 9 میں. تو آپ تھوڑے سے چھوٹے ہو. یہ سیون کا ہو جائے گا. 7 اپریل کو. 9 دسمبر کو یہ 7 ایئرس کا. وہ تو آپ بڑے ہو اس سے. وہ تو کبھی نیکسٹ ایئر جون میں ہوگا 7. وہ 4 ایئرس کا ہے. وہ ابھی 6 کا ہوا ہے نا. آپ سے وہ کچھ منتھس چھوٹا ہے. وہ آپ سے چھوٹا ہے. فیو منتھس. مجھ سے تھوڑا چھوٹا ہے. ہاں تھوڑا سا چھوٹا ہے. 5 ایئرز اولڈ. وہ ہاں جی بس نیلی 6 ہے. تو جون میں وہ 6 ہو جائے گا. شامیر آپ سب کے بھائی جان. ہاں اچھا شامیر آپ کی شادی سب سے پہلے ہوگی. ہاں کس سے شادی کرو گے؟ بولو بولو بولو. میں تو ابھی چھوٹا ہوں. نہیں ارادہ تو بنایا ہوگا نا کس سے شادی کرو. میں تو 6 ایئرز اولڈ. تو کب شادی کرو گی؟ جب کس کتنی عمر کے ہو جائے. شامیر کو کیلب کی بہن سے کرو گی. کیلب کی بہن سے کرو گی؟ کیلب کی بہن بھی کیلب جیسی پیاری ہوگی, گنگرے والے بالوں والی. ہاں 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 اپنے سے تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیا میں نے کہہ دیا؟ اف اللہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. اچھا آپ بولو. کیا بولوں؟ بولو نا کس سے شادی کے بارے میں بولوں. کوئی تو ہوگی گھر میں, کوئی ہوگی اسکول میں. ہاں کہیں تانگ جانگ تو کی میں لیٹا لوں. ابھی آفس میں میں کام نہیں کر سکتا. جب آپ آفس میں کام کرو گے پھر ڈھونڈو گے. آپ نے کچھ سوچا ہوا کس کے ساتھ کرو گے؟ ہاں جیسے ابھی بابا ہے اس طرح جب میں بڑا ہوں گا تو پھر بابا کی طرح دانگ جانگ کرو گے. 34 ایئرز اولڈ تب میں کروں گا نا. کس کے ساتھ؟ تو پھر میں ڈھونڈوں گا نا. پھر ڈھونڈے گا نا. 34 سال کا ہو کے ڈھونڈے گا. بڈھے خوشٹ 34 سال کی عمر میں تم ڈھونڈو گے؟ پٹھانوں کا نام شرما دیا تم نے. میرا چھوٹا لافی کتنا خوش ہوا شادی کے نام سے. خوش نہیں ہوا, ہنس رہا ہوں. ہنس رہے ہو؟ ہنسی کس بات پہ زیادہ آ رہی ہے؟ مجھے اس بات پہ آ رہی ہے شادی کی بات. شادی کی بات پہ مزہ آ رہی ہے زیادہ. دمدار سکس وی دے مہمان جی مالک تو نہیں حرامی دمدار تو تلی دی صحیح. دل تو کمزور ہے. یہ تلے ڈر ہے. کوئی بات ابھی بچہ ہے. ابھی بچہ ہے. ابھی بس کوئی دل تو بچہ ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ ہے. دل تو بچہ ہے. زندہ باد.